नमस्कार, मैं मिथिलेश चौधरी, आप कैसे हो? और इस वीडियो पे आप नए हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं मिथिलेश चौधरी आपके लिए काफी मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आता हूँ। आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ कि फिक्स योर वर्क टारगेट, आपका काम करने का जो तरीका है उसको फिक्स कर डालिए। आपका काम करने का जो तरीका है फिक्स करिए। सपोज मान लीजिए मैं मिथिलेश चौधरी, मेरा टारगेट है बिजनेस लाना, तो मैं अपने टारगेट को कोटेशन करके टारगेट को फिक्स कर डालता हूँ। 25 कोटेशन एवरी डे देना है तो देना है। मेरा टारगेट है कि एवरी डे एक 5 वीडियो बनाना है तो बनाना है। अब देखिए, हमें रिजल्ट का परवाह तो नहीं है। अगर हम एवरी डे 25 कोटेशन देते हैं, एवरी डे 5 वीडियो बनाते हैं, तो पर मंथ कितना कोटेशन हो जाएगा? 25 × 30 या 25 × 25 कितना हो गया? कितना हो जाएगा करके देखो। 25 × 25 और 5 × 30 कितना हो गया? 150 आपका वीडियो हो रहा है। एवरी डे आपका जो है इमेजेज हो गया, 1-5 इमेजेज आप करते हो, प्रोडक्ट का इमेजेज एडिटिंग करते हो, उसके बारे में डालते हो, कॉन्टेक्ट लिखते हो, तो पूरे महीने में कितना हो गया? 150 हो गया। जैसे आपको बताया था 25 × 25 कितना कोटेशन हो गया? 625 अगर आप पर मंथ कोटेशन देते हो तो आपका उसमें से तो एक मान लीजिए एक 2% भी आपका ऑर्डर कन्वर्ट होता है तो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। लोग गलती कहाँ पे करते हैं कि अपने वर्क को फिक्स नहीं करते हैं, अपने टारगेट को फिक्स नहीं करते कि हमको करना क्या है। चल रहा है, चलने दीजिए। देखिए, जब तक आप अपने टारगेट को फिक्स नहीं करोगे, जब तक अपने वर्क को फिक्स नहीं करोगे कि हमको सुबह में इतने बजे उठना है, 5 बजे उठना है तो 5 बजे ही उठना है, किसी दिन 10 बजे उठते हो, किसी दिन 9 बजे उठते हो, तो आपका वर्क टारगेट नहीं हुआ। आप एक उठने का भी समय बना लीजिए, सोने का भी समय बना लीजिए, काम का भी एक समय बना लीजिए, वॉकिंग का एक बार समय बना लीजिए, अपने रिलेटिव से मिलने का एक समय फिक्स कर लीजिए। देखिए, जब तक आप अपने वर्क को, अपने शेड्यूल को फिक्स नहीं करते हो, तब तक आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो। इस वीडियो के माध्यम से ये आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो आज से आप कंटिन्यूअस अपने वर्क को फिक्स करिए, अपने टाइमिंग को फिक्स करिए। देखिए, मैं आपको बड़ी बात नहीं बोलना चाहता, 6 मंथ में आपके अंदर काफी चेंजिंग आ जाएगी, ये मेरा मानना है और मैंने इसको प्रूफ किया है और अपने लाइफ में ये चीज़ को मैं अचीवमेंट किया हूँ कि मैं जो काम पर फोकस डालता हूँ उसमें रिजल्ट आज नहीं तो कल जरूर आता है। तो आप अपने वर्क को फिक्स करिए कि हमको एवरी डे ये काम करके ही हमको रेस्ट लेना है, ये काम करके ही मेरे को बेड पर जाना है। देखिए, आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो, वो आपको एनालिसिस होते जाएगा कि आखिर हमारा वीकनेस क्या है, हमारे लाइफ में क्या गैप है, कहाँ पर हम गलतियाँ कर रहे हैं। उसको फुलफिल करते हुए अपने वर्क टारगेट को फिक्स करो, देखो जिंदगी में आप तरक्की ही तरक्की करोगे। नमस्कार, धन्यवाद।